ओके, तो दिस इज़ क्लास नंबर फोर। नेक्स्ट हम लोग क्लास नंबर फोर में आते हैं। जो हमारा रियल प्रॉब्लम था उस पर तो हम लोग अभी सॉल्व ही नहीं किए हैं। तो जिन बच्चों को बोड़े प्लॉट क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने बहुत ही फास्ट उसको एक बनाया हुआ है पहले क्लास में। इसके लिए ऊपर एक अलग सी वीडियो हम लोग और डालेंगे, और आप उस वीडियो को देखिए अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता है तो। लेकिन इसको मैं ऑलरेडी क्लास में डिक्टेट कर चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए बहुत फास्ट बताएं इसको, ठीक है। तो सात स्टेप्स में, सेवन स्टेप्स में हमने बोर्ड प्लॉट कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा है। वो सेवन स्टेप्स आप लोग याद रख सकते हो, सिर्फ आपके सिंप्लिसिटी के लिए सेवन स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए हम लोग शुरू से लगे हुए हैं। तो फिर से वापस आपको मैं रिमाइंड करा दूँ कि जो हमारा क्वेश्चन था, दैट इज़ अवर क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिल्टर सर्किट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स बोड़े प्लॉट। तो इसका मैंने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया था, ये, ठीक है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से मेरे को बोड़े प्लॉट ड्रॉ करना है, तो लिखते हैं उस ट्रांसफर फंक्शन को, और वो जो स्टेप्स इससे पहले की क्लास में जो मैं बताया हूँ आपको, वो सारे स्टेप्स उसमें फॉलो करते जाते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एस प्लस टेन पावर फाइव, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एस, था एस, एस प्लस टेन पावर फाइव, एस प्लस टेन पावर सिक्स, एस प्लस टेन क्यूब का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर ट्रांसफर फंक्शन। अब हम लोग वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं टेन टू पावर सिक्स एस, यहाँ से टेन टू पावर फाइव कॉमन निकालो, क्योंकि इसको वन बनाना है, यहाँ का टर्म को वन बनाना है, और एस के नीचे भी आना चाहिए। तो वन प्लस एस बाई टेन टू पावर फाइव, टेन टू पावर फाइव को मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, टेन टू पावर सिक्स एस, टेन टू पावर फाइव मैं कॉमन लिया, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर फाइव, क्लियर है। पहले से मैं टेन टू पावर फाइव यहाँ से आप कॉमन ले लो, इसको बाहर ले जाओ, सेम डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ से टेन टू पावर सिक्स निकलेगा एस प्लस, सॉरी ये आ जाएगा वन प्लस एस बाई टेन टू पावर सिक्स, यहाँ से टेन क्यूब निकलेगा। अब देखिए ऊपर में स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो टेन क्यूब टू टेन क्यूब या ऐसा निकलेगा, दो बार निकलेगा क्योंकि दो है स्क्वायर में, है ना, वन प्लस एस बाई टेन क्यूब होल स्क्वायर। सबको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे टेन टू पावर सिक्स है, एक तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, टेन टू पावर फाइव है और यहाँ पे टेन टू पावर सिक्स आएगा नीचे, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से जो नया ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो जाएगा जीरो पॉइंट वन एस, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर फाइव, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर सिक्स, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं इसको, जीरो पॉइंट वन एस, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर फाइव, वन प्लस एस बाई टेन टू पावर सिक्स, वन प्लस एस बाई टेन क्यूब का स्क्वायर। सो दिस इज़ अवर ट्रांसफर फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप वन क्लियर। स्टेप टू, आइडेंटिफाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो एस, वन बाई एस वाला टर्म जो जो है यहाँ पे, वन बाई एस वाला टर्म कौन कौन सा है, ये और ये, उसके साथ एस के नीचे जो जो चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये सभी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नंबर वन। अब क्या बोला था मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा टेन क्यूब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वन, लेट्स से एफ वन, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टू एफ टू क्या है, टेन पावर फाइव, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थ्री एफ थ्री टेन पावर सिक्स, ठीक, तीन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई हो गई। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई होने के बाद स्टेप नंबर फोर थ्री, उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में पोल है कि जीरो है, कितने पोल हैं कितने जीरो हैं, वो आइडेंटिफाई करना। स्टेप थ्री, अभी मैं पूरा एक एक करके लिख रहा हूँ, बट आपको ये पूरा स्टेप नहीं लिखना एग्ज़ाम में, आपको बस समझाने के लिए है।
आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, इस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में इतने पोल इतने जीरो हैं। स्टेप थ्री, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी को लिख लिया मैंने, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वन, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी टू, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी थ्री। ठीक है, जो चीज़ न्यूमरेटर में होगी वहाँ पे जीरो होगा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगी वहाँ पे पोल होगा। टेन क्यूब पे आते हैं, टेन क्यूब वाला जो टर्म है, मतलब ये टर्म जो टेन क्यूब वाला टर्म है वहाँ पे, ये वाला जो उसका टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे लिखेंगे पोल। और जो चीज़ ये देखो, दूसरा टेन टू पावर फाइव वाला टर्म में आओ, सेकंड सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी टेन टू पावर फाइव, इसका जो टर्म है, इसके साथ वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है पूरा, तो यहाँ पे आएगा जीरो। तीसरा, ये जो टर्म है ये भी डिनोमिनेटर में है, टेन टू पावर सिक्स वाला टर्म, तो यहाँ पे भी आएगा पोल। अब कितने पोल है और कितने जीरो हैं, अभी पोल और जीरो तो पता चल गया, लेकिन कितने पोल और कितने जीरो हैं उसके लिए हमको देखना है इनका पावर। ठीक है, इसका पावर कितना है वन, इसका पावर कितना है वन, इसका पावर कितना है टू, तो टेन क्यूब वाला टर्म का पावर है टू, तो वहाँ पे दो है तो दो पोल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाकी का पावर वन वन है तो वहाँ पे एक एक जीरो होगा। तो अब हमको ये चीज़ क्लियर हो गई, कितने पोल हैं कितने जीरो हैं। स्टेप फोर, ये स्टेप फोर को मैं यहीं पे लिखता हूँ, स्टेप नंबर फोर, फिर अलग अलग उसको नहीं लिखते हैं। स्टेप फोर क्या था, चेंज इन स्लोप आइडेंटिफाई करना, चेंज इन स्लोप, कितना चेंज आ रहा है स्लोप में उस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे, तो स्लोप में चेंज कितना आएगा। तो अगर एक पोल होगा तो मैंने बताया था माइनस 20 डीबी का चेंज आता है, माइनस 20 डीबी पर डिकेट का। दो पोल होगा तो माइनस 40 डीबी पर डिकेट का स्लोप में चेंज आएगा। या तो इसको ऑक्टेव में लिखोगे तो माइनस 12 डीबी पर ऑक्टेव लिख सकते हो, लेकिन अभी हम लोग डिकेट में चलते हैं, तो माइनस 40 डीबी पर डिकेट। एक जीरो है तो प्लस हो जाता है जीरो में, एक जीरो के लिए आता है प्लस 20 डीबी पर डिकेट का स्लोप में चेंज आता है। एक पोल है तो माइनस 20 डीबी का आपका स्लोप में चेंज आता है, माइनस 20 डीबी पर डिकेट। क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसमें समझ लेना। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, स्टेप फोर चेंज इन द स्लोप मेरे को मिल गया, स्टेप थ्री नंबर ऑफ पोल नंबर है जीरो, स्टेप टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। ठीक, नाउ स्टेप नंबर फाइव, स्टेप फाइव क्या था हम लोग का, हाँ स्टेप नंबर फाइव जो था वही चेंज इन स्लोप था क्या। ठीक है, चेंज इन द स्लोप नहीं, स्टेप नंबर फाइव ये हो गया था हमारा। स्टेप नंबर सिक्स था इनिशियल स्लोप, ये स्टेप नंबर फाइव जो था इनिशियल स्लोप। अगला स्टेप, लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक स्टेप आगे कर दिया है, उसको देख लेना आप लोग। इनिशियल स्लोप, इनिशियल स्लोप के लिए मैंने क्या बताया था, आप उस ट्रांसफर फंक्शन को पूरा लिखो, 0.1s 1 प्लस एस टू आर टेंट पावर फाइव, 1 प्लस एस बाई सिक्स, 1 प्लस एस बाई टेन क्यूब स्क्वायर। अब जो जो 1 प्लस एस वाला टर्म है उसको निगलेक्ट करो, 1 प्लस एस वाले टर्म को निगलेक्ट करना है, केवल क्या बचेगा, टी एस बचेगा मेरा 0.1s, ये बच गया। अब आपको देखना है ये किस फॉर्मेट में है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारा फॉर्मेट बताया था ना, के एस, के बाई एस, के एस स्क्वायर, के बाई एस स्क्वायर, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है। तो ये हमारा के एस फॉर्मेट में दिख रहा है, के इंटू एस, एस जो है वो न्यूमरेटर में है, मतलब हमारा जो इनिशियल स्लोप होगा वो क्या होगा, प्लस 20 डीबी पर डिकेड, क्योंकि एस जो है न्यूमरेटर में है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में एक ओरिजिन पे एक जीरो है, ओरिजिन पे एक जीरो है मतलब वहाँ पे प्लस 20 डीबी पर डिकेट का स्लोप होता है। ये लास्ट वीडियो में भी अपन क्लियर किए थे, इनिशियल स्लोप होगा प्लस 20 डीबी पर डिकेट का। क्लियर है, इनिशियल स्लोप हो गया। अब उसके बाद इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, किसी वैल्यू पे हमको इनिशियल वैल्यू चाहिए कुछ, कहाँ से हमको ट्रांसफर फंक्शन चालू करना है, कोई भी कर्व आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं से तो उसकी वैल्यू चालू करते हो ना, किसी वैल्यू से, एक्स और वाई के बीच को प्लॉट करना है तो एक्स इज इक्वल टू वन से चालू करोगे, जीरो से चालू करोगे, तो वैसे ही ओमेगा की किसी वैल्यू से तो मेरे को ट्रांसफर फंक्शन का बोडे प्लॉट ड्रॉ करना होगा, और उस वैल्यू पे वाई की वैल्यू कितनी होती है वो निकालना पड़ता है, तो वैसे ही हमको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा,
initial value of transfer function, ये भी हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। आप इसको स्टेप कुछ ले लेना। तो इसके लिए इनिशियल स्लोप मिल गया, इनिशियल स्लोप के बाद ये स्टेप नंबर 6 हो जाएगा हमारा, उसमें 7 था, इसमें एक स्टेप उसमें ज़्यादा हो गया था। स्टेप नंबर 6 इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, टी ऑफ एस इज इक्वल टू लिखो 0.1s, इसको वापस लिखो, एस को रखो जी ओमेगा, टी ऑफ जी ओमेगा 0.1 ऑफ जी ओमेगा, मैग्नीट्यूड लो दोनों साइड, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये हो जाएगा टी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड 0.1 का मैग्नीट्यूड 0.1 ही होगा, जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा होगा, टी ऑफ जी ओमेगा 0.1 इंटू ओमेगा, राइट। इसको डीबी में कन्वर्ट करो, डीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20 लॉग बेस 10 दोनों टाइप हम लोग लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी ऑफ जी ओमेगा, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं पूरा, इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ इधर लिखो 20 लॉग बेस 10 0.1 इंटू ओमेगा, नाउ टी ऑफ जी ओमेगा इन डीबी, तो लॉग एम इंटू एन, तो दिस इज एन, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, तो वैसा ही करो इसको भी, लॉग बेस 10 0.1 प्लस लॉग बेस 10 ओमेगा। अब ऑक्टो में लो या डिकेड में लो, मैग्नीट्यूड जब भी लोगे लॉग का बेस 10 रहेगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 टू पावर माइनस 1 प्लस लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 ओमेगा। अब मेरे को ट्रांसफ़र फंक्शन की कोई वैल्यू चाहिए ना, कि ओमेगा की कौन सी वैल्यू पे मैं ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने क्या बताया था आखिरी वीडियो में, ओमेगा की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बशर्ते वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कंडीशन 1, वैल्यू लोएस्ट ट्रांसफ़र फंक्शन से कम होनी चाहिए, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। तो लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, ये देखिए 10 क्यूब मेरी लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इससे पहले की कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 1 रखते हैं, सबसे सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू 1 रख लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस लॉग बेस 10 1, तो ट्रांसफ़र फंक्शन इन डी बी माइनस 1 डी बी एट ओमेगा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे इतनी वैल्यू हो जाएगी, तो आप इसको रख सकते हो यहाँ पे, हाँ सॉरी, इसमें एक गड़बड़ हो गया था, इसमें 20 लॉग बेस 10 लेना था, तो 20 में मल्टीप्लाई करना भूल गया था, तो यहाँ पे 20 भी आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस 20 होगी, सॉरी ना, आप इसको देख लेना, यहाँ पे 20 लॉग बेस 10 हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने लॉग बेस 10 लिख दिया था, सामने 20 लगाना भूल गया था, तो ये सब जगह 20 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस 20 हो जाएगी, तो माइनस 20 डी बी होगी एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 में। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने सामने में 20 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, डी बी में जब कन्वर्ट करते हैं तो 20 लॉग बेस 10 से हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखा था, नेक्स्ट पेज में मैं भूल गया था इसको लिखना, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो होगी माइनस 20 डी बी एट ओमेगा इक्वल टू 1। अब हम लोग को बोडे प्लॉट को ड्रॉ करना है नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले आप एक रफ ड्रॉ करो, रफ ड्रॉ कैसे करते हैं, लेट्स से ये मैं खींच लेता हूँ लाइन, और ये लाइन हो गया ऐसा, ठीक है। ओमेगा की जितनी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ओमेगा की एक वैल्यू मैंने लिया है 1, एक वैल्यू 10^3, एक वैल्यू 10^5 और एक वैल्यू 10^6, इतनी वैल्यू है मेरे पास ओमेगा की, ठीक है। ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी को नोट कर लो, और जहाँ पे ओमेगा वैल्यू लिया है 1 उसको नोट कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन का, माइनस
20 dB, लेट्स से दिस इज -20 dB, ठीक है। इनिशियल स्लोप कितना है? इनिशियल स्लोप जो है वो है आपका +20 dB का है, +20 dB का स्लोप है। इनिशियल स्लोप हमारा जो है वो होता है +20 dB का। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? -20 dB। इनिशियल स्लोप कितना है? +20 dB पर डिकेड। इनिशियल वैल्यू से इनिशियल स्लोप चालू करते हैं, ये ले जाओ आप इनिशियल वैल्यू से इनिशियल स्लोप ऐसा। अभी एकदम रफ ड्रॉ करेंगे। अब जब पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यहाँ पे ये हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। इस पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में हम लोग, आप देखिए इस फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में अभी हम लोग का स्लोप कितना चला आ रहा है? हम लोग का जो स्लोप है वो चला आ रहा है +20 dB पर डिकेड। इनिशियल स्लोप इतने का ही है। कहाँ से चालू हुआ है? इस ओमेगा इज़ इक्वल टू 1 से चालू हुआ है और ये वैल्यू आ रही है +20 dB पर डिकेड। अब जब हम लोग पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहुँचते हैं तो अब ये वाले टेबल पे जाइए। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में चेंज इन स्लोप कितना था? -40 dB पर डिकेड। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज इन स्लोप कितना था? -40 dB पर डिकेड। तो जो भी स्लोप आ रहा है ना, उस स्लोप में इसको ऐड कर दो, तो +20 और -40 इनको ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट स्लोप कितना बनेगा? इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में -40 dB का स्लोप ऐड हो रहा है, तो +20 dB का स्लोप पहले था, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक स्लोप ऐड कर रहा है -40 dB पर डिकेड का। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने से जो बनेगा वो होगा +20 -40, तो रिजल्टेंट स्लोप आएगा -20 का, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्लोप आएगा -20 का, तो -20 का ये +20 का स्लोप आ रहा था, -20 का स्लोप जो रहेगा वो आपका कुछ स्टेप से जाएगा। ठीक है, ऐसा ये +20 का था, -20 का स्लोप ऐसा जाएगा। इसको रेड से लिखता हूँ, दिस इज़ -20 dB स्लोप। मैं एकदम रफ बना रहा हूँ अभी, ये ओरिजिनल कर्व नहीं है, ठीक है। ये -20 का स्लोप, अब स्लोप कितना हो गया? -20 dB पर डिकेट का। स्लोप कितने का रहा था स्टार्टिंग में? +20 dB पर डिकेट का। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिली मेरे को 10³ पे, वहाँ पे स्लोप कितना ऐड हुआ? -40 dB पर डिकेट। दोनों को जोड़ने से रिजल्टेंट स्लोप आया -20 dB पर डिकेट। अब ये स्लोप चला रहा है -20 dB पर डिकेट। अगला स्लोप, अगला पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पड़ती है हमको 10⁵। 10⁵ ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10⁵, इस पर जो स्लोप है वो कितने का है देखते हैं। 10⁵ पे स्लोप है +20 dB पर डिकेट का। इसमें जो स्लोप है +20 dB पर डिकेट का, तो ये स्लोप इस स्लोप के साथ ऐड होगा, जो रिजल्टेंट स्लोप है उसके साथ +20 dB -20 dB, तो ओवरऑल स्लोप बनेगा 0 dB का। ये स्लोप और ये स्लोप ऐड होंगे, ठीक है। जो करंट स्लोप चलते रहता है ना उसके साथ, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का स्लोप ऐड हो जाता है, तो जो रिजल्टेंट स्लोप आता है उसके आगे का रहता है। ये रिजल्टेंट स्लोप बन गया 0 dB पर डिकेड का। अब 10⁶ में आओ, 10⁶ में अब देखो जो स्लोप है वो कितने का है, चेंज इन स्लोप -20 dB। 10⁶ में जो -20 dB पर डिकेड, तो ये 0 dB था, फिर यहाँ से -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाएगा, -20 dB ऐसा, ठीक है। माइनस साइन है इसलिए नीचे जा रहा है, अब इतना तो क्लियर है आप लोगों को, -20 dB पर डिकेड। अब हमको ये वैल्यूज़ पता करनी है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कौन कौन सी वैल्यू पता करनी है। इसको इस कलर से लिखते हैं। एक वैल्यू मेरे को, ये वैल्यू तो मेरे को पता चल गई, ये वैल्यू पता करनी है एक, लेट से इसको एक्स नाम देता हूँ मैं, और एक वैल्यू पता करनी है ये कितनी आएगी, लेट से इसको मैं वाई नाम देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं कितनी वैल्यू है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, एक वैल्यू ये पता करनी है, एक वैल्यू ये पता करनी है मेरे को, ये दो वैल्यू पता करनी है। दोनों वैल्यू पता करने के बाद ही मैं एक्चुअल कर्व बना पाऊँगा। तो एक्स की वैल्यू पता करते हैं सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में, टू फाइंड एक्स। एक्स देखो, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा है कर्व, ये है ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे -20 dB,
और यहाँ पे 10³, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स, ये कर्व को बना रहा हूँ मैं, इतने पोर्शन को बना रहा हूँ ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पिंक कलर से बना रहा हूँ, देखो इतने पोर्शन को फिर से ड्रॉ किया हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को एक्स चाहिए। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये चीज़ है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसा रहता है, ये वैल्यू थी एक्स वन लेते हैं, इसको एक्स टू लेते हैं ठीक है, या इसको समझने के लिए ऐसा समझो, ये लेट्स से वाई वन, ये वाई टू, एक्स वन एक्स टू, और ये स्लोप एम, तो इसको लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है, यही लिखते हैं। तो मेरे को भी यही काम करना है यहाँ पे, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है ठीक, तो स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जाए फिर से। तो ये हमको एक्स फाइंड करना है, ऐसा दिया हुआ है -20 dB और ये 10³, स्लोप था +20 dB पर डिकेट का ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाओ, दिस क्वांटिटी दिस इज़ वाई टू वाई वन एक्स टू एक्स वन है ना, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए यहाँ पे, तो इसको लगाओ, इसको लिखोगे मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड ठीक है, इसको ले लेते हैं वाई टू ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं वाई वन, इसको ले लेते हैं वाई टू के करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स वन। तो देखिए स्लोप कितने का है, स्लोप +20 का है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे वैल्यू मैग्नीट्यूड है इतना एक्स एक्स माइनस दिस माइनस ऑफ -20 डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू है 10³, एक्स वन की वैल्यू है 1। तो इस लेकिन याद रखिएगा ये लॉग स्केल है और हम लोग पर डिकेड में ले रहे हैं 20 dB पर डिकेड, तो हम लोग लॉग बेस 10 10³ माइनस लॉग बेस 10 1 करेंगे, क्लियर, लॉग बेस 10 10³ माइनस लॉग बेस 10 1। अब यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी हम लोग की 40 dB ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 40 dB, ये हमको मिल गया। अब दूसरा हमको ये फाइंड करना है वाई, इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको भी फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे अगले पेज में। तो देखो ये ऐसा था, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऐसे ड्रॉ करो, ऐसा है मान लेते हैं, ऐसा करो है, ये है -20, यहाँ की वैल्यू मिल गई मेरे को 40 dB, इस पॉइंट की वैल्यू, ये पॉइंट मेरे को चाहिए, इसका नाम दिया मैंने वाई, यहाँ पे 10³, यहाँ पे 10, 5, यहाँ पे 10⁶, इस स्लोप की वैल्यू है -20 dB पर डिकेट ठीक है। तो ये इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ऐसा देखिए, इसको ले लेता हूँ मैं वाई वन, इसको ले लेता हूँ मैं वाई टू, वाई वन के करस्पॉन्डिंग जो है उसको ले लेता हूँ मैं एक्स वन, वाई टू के करस्पॉन्डिंग जो है उसको ले लेता हूँ मैं एक्स टू। अगेन याद रखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू, और ये स्लोप है एम, एम इज इक्वल टू होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ हमारे केस में स्लोप की वैल्यू कितनी है, इस लाइन का स्लोप कितना है, हम लोग इस लाइन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड इज इक्वल टू क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू मतलब मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस, तो वाई टू, वाई टू ये पॉइंट को लिया हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है वाई, जिसको मेरे को फाइंड करना है, माइनस ये पॉइंट वाई वन है, इसकी वैल्यू कितनी निकाला हूँ मैं 40 dB डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू है 10⁵, एक्स वन की वैल्यू है 10³, लेकिन लॉग बेस 10 में लिखेंगे, वाई की वैल्यू सॉल्व करो, लॉग बेस 10 क्यों, अगर यहाँ पे स्लोप, क्योंकि dB पर डिकेट में दिया है लॉग बेस 10, अगर स्लोप रहता dB पर ऑक्टेव में तो लॉग बेस 2,
ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू जो आती है वो आई थिंक 0 dB आती है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 dB आएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो, एज पर मेरे जो इक्वेशन उसमें, या फिर सॉल्व करके देख लेते हैं y की वैल्यू कैसी आती है। -20 log बेस 10 इसको ऐसा लिख सकते हैं 10^5 डिवाइड बाई 10^3, तो ये और ये जो रहेगा आपका 10² हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -20। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो -20 इज इक्वल टू y -40 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2। ये समझ आया ना कैसे 2 आया, ठीक है। ये 2 सामने आ जाएगा यहाँ पे, लॉग बेस 10 ऑफ 10 1 होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने से y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 dB। तो अब देखिए इस y की वैल्यू भी मेरे को मिल गई 0 dB। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने के लिए अब हम लोग एक्चुअल प्लॉट करेंगे। तो ये आप सबसे पहले कर्व बना लो, ऐसा मार्किंग कर लो ओमेगा की अलग अलग वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 1 × 10^3 10^5 10^6। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी थी -20 dB, 10^3 पे वैल्यू कितनी थी 40 dB, ठीक है, और 10^5 पे फिर से वैल्यू कितनी हो गई 0 dB। तो एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में ओमेगा इज इक्वल टू 1 से लेके ओमेगा 10^3 के बीच में स्लोप था आपका लगभग 20 dB का, +20 dB का, ये +20 dB का स्लोप 10^3 से लेकर 10^5 तक जो स्लोप था वो था -20 dB का। 10^5 से 10^6 0 dB का स्लोप, और 10^6 से आगे फिर से -20 dB पर डिकेट का स्लोप। तो ये आ गया वैल्यू आपका ट्रांसफर फंक्शन का बोडे प्लॉट।